क्वेश्चन नंबर 18, इमर्सन्स एनहांसमेंट इफेक्ट एंड रेड ड्रॉप हैव बीन इंस्ट्रूमेंटल इन द डिस्कवरी ऑफ। अब इमर्सन ने दो प्रोसेस बताए, एक रेड ड्रॉप, एक एनहांसमेंट। इमर्सन ने क्या ऑब्जर्व किया, जब सिर्फ एक मोनोक्रोमैटिक बीम ऑफ लाइट दे रहे थे प्लांट्स को ऑफ ग्रेटर देन 680 नैनोमीटर, तो सडन डिक्लाइन दिखा उनको रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस में। तो ये जो सडन डिक्लाइन है इसको उन्होंने क्या बोला था, रेड ड्रॉप। एंड इमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट क्या था, उन्होंने फिर क्या किया, मोनोक्रोमैटिक बीम ऑफ लाइट में दो अलग वेवलेंथ ली, एक तो ग्रेटर देन 680 जो उन्होंने पहले भी ली थी, एक लेस देन 680। तो जब इन दोनों वेवलेंथ ऑफ लाइट को उन्होंने दिया तो उन्होंने देखा कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इनहेंस हुआ है, इंक्रीज हुआ है। तो इससे उन्हें ये पता लगा कि यहाँ पर प्लांट के अंदर दो फोटोसिंथेटिक सिस्टम्स हैं, यूनिट सिस्टम्स हैं, पिगमेंट सिस्टम्स हैं, जो साथ में मिलकर जब काम करते हैं तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ जाता है। तो इसीलिए जो इमर्सन इन्हांसमेंट इफेक्ट है या जो रेड ड्रॉप इफेक्ट है वो इंस्ट्रूमेंटल थे इन द डिस्कवरी ऑफ टू फोटो सिस्टम्स, यानी PS1 एंड PS2, एंड वो भी साथ में ऑपरेशन यानी साइमल्टेनियसली काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें रेड ड्रॉप के बारे में, रेड ड्रॉप क्या है, जब मोनोक्रोमैटिक सिंगल कलर मोनोक्रोमैटिक बीम ऑफ लाइट ग्रेटर देन 680 नैनोमीटर गिवन टू द प्लांट, तो गिवन टू प्लांट, तो उससे क्या हुआ था, देर वॉज अ शार्प डिक्लाइन, इन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो इसी को क्या बोला था, रेड ड्रॉप। रेड क्यों बोला, क्योंकि वेवलेंथ क्या यूज हुई है, 680 नैनोमीटर, रेड रीजन वाली विबग्योर की। देन इसी तरीके से इन्हांसमेंट इफेक्ट क्या था, इमर्सन इन्हांसमेंट इफेक्ट, तो इमर्सन इन्हांसमेंट इफेक्ट में क्या हुआ, अब उन्होंने यहाँ पर वही मोनोक्रोमैटिक बीम ऑफ लाइट ऑफ टू डिफरेंट वेवलेंथ्स, को लिया था, एक शॉर्ट वेवलेंथ एंड एक लॉन्ग वेवलेंथ। तो उन्होंने इसे क्या ऑब्जर्व किया, दैट देयर वाज एन इंक्रीज इन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो इससे उन्हें पता लगा कि प्लांट के अंदर दो पिगमेंट सिस्टम जब साथ में काम करेंगे तो फोटोसिंथेसिस बढ़ जाएगा। तो दो फोटो सिस्टम्स की डिस्कवरी हुई थी जो साथ में काम कर रहे हैं, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी। फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट नहीं हुआ था, फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट भी नहीं हुआ, ऑक्सीडेटिव भी नहीं हुआ था। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, इससे उन्हें क्या पता लगा, इससे डिस्कवर हुआ कि देर आर टू फोटो सिस्टम्स, PS1 एंड PS2, जिनको आज हम PS1 PS2 कह रहे हैं। तो देर आर टू फोटो सिस्टम विच ऑपरेट टूगेदर और साइमल्टेनियसली। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी।